मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मूविंग एवरेज मेथड कंप्लीट किया था। मूविंग एवरेज मेथड उसमें 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 5 इयर्स मूविंग एवरेज एंड 4 इयर्स मूविंग एवरेज हमने देखा, ठीक है। अब सेकंड मेथड इस चैप्टर का लिस्ट स्क्वायर मेथड आज देखना है। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड गुजराती में आपने इन्हें कहता था न्यूनतम वर्गों की रीत। लिस्ट स्क्वायर मेथड, अब लिस्ट स्क्वायर मेथड 12th के अंदर हमने जो किया था और अभी FY के अंदर जो करना है वो दोनों के बीच में डिफरेंस है। 12th के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि ऑड नंबर हो, मतलब n एक ही संख्या में हो, या फिर ऐसा दिया होगा n इज एन इवन नंबर, n बे की संख्या में हो, एवं कशु हतु नहीं, ठीक छे। अहिया बे अलग अलग पॉइंट्स पर से वेन n इज एन ऑड नंबर, मतलब के n एक ही संख्या में हो, n अगर ऑड नंबर में तो कैलकुलेशन कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 दिए या 7 दिए या 9 11, तो ये सब ऑड नंबर्स है। तो व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज एन ऑड नंबर, n अगर ऑड नंबर है तो कैसे कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले तो दो वेरिएबल आपको दिए होंगे, स्मॉल x मतलब टाइम पीरियड, समय गाड़ो, उसको लिखना है हमेशा 1 2 3 4 अप टू n तक। देन y इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल એટલે ગુજરાતી માં આપણે એને કહેતા છે અચલ કિંમત। ફોર એક્ઝામ્પલ આપકો યર દિયા હે ઓર પ્રોફિટ દિયા હે, તો યર અમારો ટાઈમ પીરિયડ હુઆ ઓર પ્રોફિટ જો હે વો વેલ્યુ ઓફ વેરિયેબલ હુઆ, ઠીક હે। તો દો વેરિયેબલ આપકો દિયે હોંગે, એક x એક y, x મતલબ ટાઈમ પીરિયડ જિસકા વેલ્યુ હંમેશા 1 2 3 અપ ટુ n તક હોગા, ઓર વેલ્યુ ઓફ વેરિયેબલ ઉસકો હમ y લિખેંગે, ઠીક હે। ફિર આગે દેખતે હૈ When n is an odd number, n अगर odd number है, तो capital X ऐसे find करना है, small x minus middle value of small x divide by time interval। capital X कैसे मिलेगा वही important है। capital X का formula हमको लिखना है, small x minus middle value of small x, small x minus middle value of small x divide by क्या लिखेंगे, तो time interval, small x minus middle value of small x divide by time interval, ये उसका formula। अब आगे first step हमको count करना है b, b इक्वल टू सिग्मा कैपिटल एक्स वाई अपॉन सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप है a, a इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन n, एंड देन थर्ड स्टेप इज ट्रेंड इक्वेशन, वलण नु समीकरण, ट्रेंड इक्वेशन हम लिखेंगे y इक्वल टू a प्लस b इंटू कैपिटल x। तो ये तीन स्टेप, b फाइंड करना है, a फाइंड करना है और फिर ट्रेंड इक्वेशन लगाना है। उसके बाद कभी 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 एग्जांपल के अंदर आता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन फाइंड करना होता है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन टूका गाड़ा नहीं बदकट, या इसको बोलते हैं ट्रेंड फ्री सीरीज। या इसको कहते हैं ट्रेंड एलिमिनेशन,
अंडर एडिटिव मॉडल एडिटिव मॉडल के अंडर हमको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या ट्रेंड फ्री सीरीज या ट्रेंड एलिमिनेशन फाइंड करना है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें लिखेंगे हम y, दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल माइनस ट्रेंड वैल्यू। माइनस क्या करना है? ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू हमको जो मिलेगी y में से ट्रेंड वैल्यू माइनस कर देंगे, जिससे कि हमको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या ट्रेंड फ्री सीरीज या ट्रेंड एलिमिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पोस्ट करके जितना बोर्ड पे दिख रहा है उतना लिख दो, मैं इसके सम्स पढ़ा रहा हूँ आगे। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, तो हमारा टाइटल है मेथड्स ऑफ लिस्ट स्क्वायर। लिस्ट स्क्वायर मेथड व्हेन एन इज एन ऑड नंबर, एन अगर ऑड नंबर है तो। फर्स्ट एग्जांपल, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ट्रेंड लाइन हमको फाइंड करना है या ट्रेंड इक्वेशन फाइंड करना है टू द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। लिस्ट स्क्वायर मेथड से हमको ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी फाइंड करना है। तो हमने देखा था शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन अंडर एडिटिव मॉडल y माइनस ट्रेंड वैल्यू करना है फॉर द गिवन ईयर्स यूजिंग एडिटिव मॉडल। अब फर्स्ट कॉलम आपको दिया हुआ है ईयर, चलो देखना। फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन, फर्स्ट कॉलम ईयर, ईयर की कॉलम में दिया है आपको 1998, 1999, 2000, 2001 एंड 2002। देन y दिया हुआ है, लेकिन y लिखने से पहले सबसे पहले हम ईयर के बाद लिखेंगे टाइम, टाइम दैट इज स्मॉल x। स्मॉल x की वैल्यू मैंने आपको बताया हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखनी है। देन वैल्यू दैट इज y, y इज 49, 54, 60, 72 एंड 80। तो इस तरह से हमको दो कॉलम्स दी हुई थी। अब आगे क्या करना है? तो सबसे पहले टोटल करेंगे y का, सिग्मा वाइज y का टोटल करते हैं। 49 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 72 प्लस 80, तो टोटल हो गया 315। सो y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y इज 315 डिवाइड बाय n इज 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करना है तो 315 डिवाइड बाय 5 करेंगे 63 मिलेगा। दूसरी बार यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि n 5 है, n 5 है, n 5, 5 मतलब ऑड नंबर, एक ही संख्या में आपेलू है। ठीक है, तो n ऑड नंबर है तो कैपिटल x इक्वल टू लिखना है स्मॉल x माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ये उसका फॉर्मूला कैपिटल x का। खास जो जो भाई, कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x, स्मॉल x का मिडल वैल्यू, चलो ये 1, 2, 4, 5 निकाल दो तो मिडल वैल्यू हो गया 3। ठीक है, n 5 आपेलू छे, ऑड नंबर एक ही संख्या में छे, एक ही संख्या में छे, तो कैपिटल x नो फॉर्मूला लिखवानो बेटा स्मॉल x माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल x डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, मिडल वैल्यू એટલે स्मॉल x ની મિડલ વેલ્યુ 3 થશે डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल मतलब जो साल दिए हुए आपको उसके बीच का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस 1-1 का है, 98, 99, 2000, 2001, 2002 का डिफरेंस है। सो कैपिटल एक्स मुझे मिलेगा स्मॉल एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय 1 नहीं लिखते तो चलता है। सो कैपिटल एक्स याद रखना है कैसे लेना है, स्मॉल एक्स माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल का मतलब साल के बीच का डिफरेंस जो है आपको डिफरेंस 1 का होगा ना, ऐसे ही सम सिलेबस में, और डिफरेंस इक्वल होगा ऐसे ही सिलेबस में,
ठीक है, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। सो कैपिटल एक्स हमको यहां मिलेगा स्मॉल एक्स माइनस थ्री, स्मॉल एक्स से थ्री माइनस करना है, स्मॉल एक्स माइनस थ्री दैट इज वन माइनस थ्री माइनस टू, टू माइनस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस थ्री वन, फाइव माइनस थ्री टू, सो सिग्मा कैपिटल एक्स ऑलवेज जीरो। देन कैपिटल एक्स इन टू वाई, कैपिटल एक्स एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फोर्टी नाइन इंटू टू, फोर्टी नाइन इंटू टू किया नाइन्टी एट माइनस में, फिफ्टी फोर इंटू वन माइनस फिफ्टी फोर जीरो, सेवेंटी टू इंटू वन सेवेंटी टू, एटी इंटू टू वन सिक्सटी, सो सिग्मा कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू वन सिक्सटी प्लस सेवेंटी टू माइनस फिफ्टी फोर माइनस नाइन्टी एट, टोटल इज एटी, टोटल हमको एटी मिलेगा। देन कैपिटल एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर मतलब ये रहा, कैपिटल एक्स की कॉलम है उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ टू इज फोर, स्क्वायर ऑफ वन इज वन, स्क्वायर ऑफ जीरो इज जीरो, स्क्वायर ऑफ वन इज वन एंड स्क्वायर ऑफ टू इज फोर, सो सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, टोटल करेंगे इसका, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन, सो सिग्मा कैपिटल एक्स वाई इज एटी मिला था यहाँ पे, वन सिक्सटी प्लस सेवेंटी टू था, उसमें से माइनस किया फिफ्टी फोर एंड नाइन्टी एट, ओके, तो एटी मिला। एक्स का स्क्वायर किया, कैपिटल एक्स का स्क्वायर करना है, कैपिटल एक्स स्क्वायर है, स्मॉल एक्स स्क्वायर नहीं है, खास देख लो। चलो देन फर्स्ट पॉइंट बी फाइंड करेंगे, सिग्मा कैपिटल एक्स वाई अपॉन सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर, सो बी इक्वल टू सिग्मा कैपिटल एक्स वाई इज एटी अपॉन सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर इज टेन, सो बी इक्वल टू एटी बाई टेन करके हम एट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू ए फाइंड करना है, सिग्मा वाई अपॉन एन, सो सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई आपका था थ्री वन फाइव, वैसे तो फाइंड कर ही दिया है, डिवाइड बाय एन, एन मतलब फाइव, तो ए हमको मिलेगा सिक्सटी थ्री। थर्ड स्टेप, लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन, लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू ए प्लस बी कैपिटल x, सो y इक्वल टू 63 प्लस बी, बी मतलब 8 इनटू कैपिटल x, ये y इक्वल टू 63 प्लस 8 इनटू कैपिटल x मिला। आगे देखते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन हमको मिला y ऑन x, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, y इक्वल टू 63 प्लस 8x लेकर यहां पे हम ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करेंगे, वलन कीमत हो ट्रेंड वैल्यूज, y इक्वल टू a प्लस बी इंटू कैपिटल x, मतलब कि हमको फॉर्मूला मिल ही गया है, 63 प्लस 8 इंटू कैपिटल x। अब ट्रेंड वैल्यूज के लिए क्या करना है, तो 63 सब में लिख देंगे, 63 63 63 63 63, 8 इंटू कैपिटल एक्स, 8 इंटू माइनस टू माइनस 16, 8 इंटू माइनस वन माइनस 8, 8 इंटू जीरो जीरो प्लस, 8 इंटू वन प्लस 8, 8 इंटू टू 16 प्लस, तो इस तरह से मुझे ट्रेंड वैल्यूज मिलने वाली है, 63 माइनस 16 इक्वल टू 47, 63 माइनस 8 इक्वल टू 55, 63 प्लस 0 63, 63 प्लस 8 71, 63 प्लस 16 तो हो गया 79। अब लास्ट कॉलम क्या फाइंड करना था हमको, तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन फाइंड करना था, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन ब्रैकेट एडिटिव मॉडल,
एडिटिव मॉडल के अंदर हमने उसका फॉर्मूला लिखा है वाई माइनस ट्रेंड वैल्यू, वाई माइनस ट्रेंड वैल्यू। तो वाई माइनस ट्रेंड वैल्यू, वाई मतलब ये रहा हमारा 49, माइनस ट्रेंड वैल्यू ये रहा 47, तो 2 मिलेगा। 54, 55 माइनस 1 मिलेगा। 60 माइनस 63 माइनस 3 मिलेगा। 72 माइनस 71 1 आएगा। और 80 माइनस 79 तो 1 मिलेगा। तो इस तरह से मुझे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन एडिटिव मॉडल के अंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऑड नंबर n दिया होगा, n इक्वल टू कितना था यहाँ पे 5, एन 5 था, 5 मतलब ऑड नंबर, तो ऑड नंबर दिया है। उस टाइम कैलकुलेशन कैसा करना है वो देखा हमने एग्जांपल नंबर 1 के अंदर। आगे और एक कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, पहले वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। नाउ एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 1 किया, अब एग्जांपल नंबर 4 में करा रहा। बिलो आर गिवन द फिगर्स ऑफ प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स ऑफ सीमेंट फैक्ट्री। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको ईयर दिया हुआ है, ईयर, देन प्रोडक्शन दूसरा कॉलम, ईयर के बाद हम लिखेंगे स्मॉल एक्स, फिर प्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, ईयर देन टाइम समय स्मॉल एक्स देन प्रोडक्शन दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। तो यहां पे हमको ईयर एंड प्रोडक्शन दो कॉलम दी हुई है। ईयर के अंदर 1990 से लेके 1996 तक है, 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96। देन स्मॉल एक्स, तो टाइम स्मॉल एक्स हमेशा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वन से स्टार्ट करना है। ठीक है, वन से स्टार्ट किया 7 तक आ रहा है। आगे प्रोडक्शन दैट इज वाई वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई इज गिवन, वाई आपको दिया हुआ है 77, 88, 94, 85, 91, 98 एंड 90। इस तरह से आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है। अब फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय एडिटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल से हमको ट्रेंड लाइन फिट करना है, मतलब लीस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन फाइंड करना है। विच कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज आर लेफ्ट ओवर, टाइम सीरीज का कौन सा कंपोनेंट बाकी रहेगा, इसका मतलब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हमको फाइंड करना है। एलिमिनेट ट्रेंड, अंडरलाइन ट्रेंड एलिमिनेशन, एलिमिनेट ट्रेंड बाय एडिटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल से ट्रेंड एलिमिनेशन फाइंड करना है। विच कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज इज लेफ्ट ओवर, ये लेफ्ट ओवर मतलब बाकी रहसे, लेफ्ट ओवर फाइंड करवानु होसे, एट दैट टाइम वी हैव टू फाइंड ट्रेंड फ्री सीरीज और ट्रेंड एलिमिनेशन या फिर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, तीनों वही है। व्हाट इज मंथली इंक्रीज, ये मंथली इंक्रीज वाला पॉइंट नया है, ये मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो एग्जांपल के अंदर इतने पॉइंट्स दिए हुए हैं। चल अब कैलकुलेशन आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया हुआ है। 7 मतलब, 7 का मतलब क्या हुआ, n इज 7, n कितना है 7 है। अब 7 मतलब n इज 7, 7 मतलब ऑड नंबर, तो यहां लिख देंगे n इज एन ऑड नंबर, एन जे छे ए एक ही संख्या में छे। अब एन ऑड नंबर है तो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, देयरफॉर कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स का मिडल वैल्यू 1, 2, 3, 5, 6, 7, तो मिडल यानी बच्चे की कीमत, बीच वाला वैल्यू कौन सा रहेगा 4।
डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल मतलब साल के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा एक एक का ही होगा आपके सिलेबस में, ऐसे ही सम से। सो कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस फोर लिखेंगे हम, तो यहाँ कॉलम हमारी बनेगी कैपिटल एक्स की स्मॉल एक्स माइनस फोर, स्मॉल एक्स माइनस फोर, अच्छा वन माइनस फोर इज माइनस थ्री, टू माइनस फोर इज माइनस टू, थ्री माइनस फोर इज माइनस वन, फोर माइनस फोर इज जीरो, फाइव माइनस फोर वन, सिक्स माइनस फोर टू एंड सेवन माइनस फोर थ्री। तो यहाँ सिग्मा कैपिटल एक्स ऑलवेज जीरो मिलने वाला है। अच्छा वाई का भी टोटल कर लेते हैं, 77 प्लस 88 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 91 प्लस 98 प्लस 90, तो टोटल हो गया 623। एक बार चेक कर लेते हैं, 77, 88, 94, 85, 91, 98, 90, टोटल इज 623। ठीक है, नाउ कैपिटल एक्स इंटू वाई, कैपिटल एक्स एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन, देन कैपिटल एक्स स्क्वायर, ट्रेंड वैल्यूज, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, इतनी सारी कॉलम बनने वाली है। ठीक है, ये सब कॉलम बनानी है हमको। चलो देखते हैं, कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स इंटू वाई करना है, 77 इंटू थ्री करेंगे माइनस 231, 88 इंटू टू 176 माइनस 94 इंटू वन माइनस 94 जीरो, 91 इंटू वन 91, 98 इंटू टू 196, 90 इंटू थ्री 270। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई मिलेगा हमको टोटल करने से, 91 प्लस 196 प्लस 270, 557 हुआ, उसमें से माइनस करेंगे 94, 176 एंड 231, तो माइनस करने से फाइनल वैल्यू मुझे 56 मिला, 91, 196, 270, अब माइनस किया 94, 176 एंड 231, तो आंसर मिला 56, करेक्ट। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 1, 4, 9, सो सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और 4, 13 और 1, 14, 14 और 14, 28, 28 मिलेगा। अब स्टेप वाइज कैलकुलेशन करना है, बी सबसे पहले सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स वाई आपका था 56, सिग्मा एक्स स्क्वायर 28, तो बी का वैल्यू हमको मिलेगा 56 बाय 28, दैट इज 2, 56 भाग्य 28 करीसु बेटा तो बी मोड से, राइट। तो पहला स्टेप बी मोड्यू, सेकंड स्टेप ए, ए कैसे मिलेगा, सिग्मा वाई अपॉन एन करने से मिलेगा, सेकंड स्टेप ए इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई हमारा था ये रहा सिग्मा वाई 623 अपॉन एन, एन इज 7, तो 623 बाय 7 करने से कितना मिलेगा, कैलकुलेशन करके देखते हैं, 623 बाय 7 इज 89। थर्ड स्टेप लिस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन, लिस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन, उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे y इक्वल टू a प्लस बी कैपिटल एक्स, सो y इक्वल टू a प्लस बी कैपिटल एक्स, a इज 89 प्लस बी इज 2 इंटू कैपिटल एक्स, तो यहां तक लिस्ट स्क्वायर ट्रेंड इक्वेशन। अच्छा एक पॉइंट नया था इसके अंदर, फाइंड करने को बोला था आपको मंथली इंक्रीमेंट, फोर्थ नंबर देख लेना, ये नया पॉइंट है, मंथली इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एटले वधारो, राइट। तो याद रखो इंक्रीमेंट बी का वैल्यू प्लस में होगा तो इंक्रीमेंट, बी नी वैल्यू प्लस में छे बेटा तो इंक्रीमेंट, और बी का वैल्यू माइनस में होगा तो डिक्रीज, बी का वैल्यू प्लस में है तो इंक्रीमेंट, माइनस में है तो डिक्रीज, और जीरो है तो रिमेन्स सेम, सरखू रहते, इंक्रीमेंट एटले वधारो थशे प्लस में होगा तो, माइनस में होगा डिक्रीज घटाड़ो थशे, एंड जीरो होगा तो स्टेबल रहेगा स्थिर रहते, राइट। अब यहां पे मंथली इंक्रीमेंट फाइंड करना है,
तो यरली इंक्रीमेंट मतलब 2 मिला था, ये पूरे साल का था, मंथली फाइंड करना है तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो बी का वैल्यू डिवाइड बाय 12 करेंगे हम, बी डिवाइड बाय 12, इससे मंथली इंक्रीमेंट मिल जाएगा 2/12, तो आंसर इज 2/12 कर दो, आंसर हमको मिला 0.17, ठीक है, ये मंथली इंक्रीमेंट का नया पॉइंट। अब ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करेंगे, ट्रेंड वैल्यूज के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा, y इक्वल टू 89 प्लस 2 इंटू कैपिटल x, तो 89 सब में ही लिख देते हैं, 89 सेवन टाइम्स, ठीक है। अब कैपिटल x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, कैपिटल x माइनस 3 था, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 4, 3 इंटू 2 6, तो इस तरह से मुझे ट्रेंड वैल्यूज मिलने वाली है। 89 माइनस 6 किया, 89 माइनस 6 83 मिलेगा, 89 माइनस 4 85, 89 माइनस 2 87, 89 प्लस 0 89, 89 प्लस 2 91, 89 प्लस 4 93 एंड 89 प्लस 6 95, हो गया। अब मुझे फाइंड करना था ट्रेंड एलिमिनेशन, ट्रेंड एलिमिनेशन एडिटिव मॉडल के अंदर ट्रेंड एलिमिनेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो y माइनस टीवी, टीवी मतलब ट्रेंड वैल्यू, y में से ट्रेंड वैल्यू, y की वैल्यू के अंदर से ट्रेंड वैल्यू माइनस करने से हमको ट्रेंड एलिमिनेशन या ट्रेंड फ्री सीरीज या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन मिल जाएगा, ठीक है। y माइनस ट्रेंड वैल्यू, तो y ये रहा मेरा 77 माइनस 83, 88 माइनस 85, 94 माइनस 87, 85 माइनस 89, 91 माइनस 91, 98 माइनस 93, 90 माइनस 95, तो ये माइनस किया तो मुझे लास्ट कॉलम ट्रेंड एलिमिनेशन या ट्रेंड फ्री सीरीज या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन मिल जाएगा। 77 माइनस 83 करना है तो माइनस 6 मिला, 88 माइनस 85 तो 3, 94 माइनस 87 तो 7, 85 माइनस 89 माइनस 4, 91 माइनस 91 0, 98 माइनस 93 5, 90 माइनस 95 माइनस 5 डैश, तो ये ट्रेंड एलिमिनेशन मिल गया, ठीक है। तो आज हमने ऑड नंबर वाला देखा, ऑड नंबर दैट इज एन 5 आपेलू हो, एन 7 आपेलू हो, एन 9 आपेलू हो, तो आ प्रमाणे नू कैलक्युलेशन आपणे करवानू छे। कैपिटल एक्स केवी रीते लेवानू ये ज इम्पोर्टंट छे, स्मॉल एक्स माइनस मिडल वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स डिवाइड बाय टाइम इंटरवल करके लिखना है। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमने स्टार्ट किया आज, व्हेन एन इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये एन इज एन ऑड नंबर ये वाले टाइटल के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया और एग्जाम्पल नंबर 4 किया। अब होमवर्क में आप लोग कौन से करेंगे, तो टाइटल तो आपको पता है, टाइटल ये दिख रहा है मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर एन इज ऑड नंबर, वो टाइटल के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 करना है होमवर्क में, एग्जाम्पल नंबर 3 करना है और एग्जाम्पल नंबर 5 करना है। एग्जाम्पल 2 3 एंड 5, 1 और 4 मैंने क्लासवर्क में कराए, एग्जाम्पल 2 3 5 आप लोग 3 सम्स होमवर्क में कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, तब आगे हम देखेंगे व्हेन एन इज एन इवन नंबर, एन बे की संख्या में हो तो शू करवानू, ये आपणे नेक्स्ट लेक्चर में जोईशुं। आवतीकाले मळीशुं बेटा, बाय एवरीवन।